दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आईपीएल मैच का सीजन चल रहा है। आईपीएल मैच में मैच से ज्यादा सट्टे का विज्ञापन चल रहा है। लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप आइए, अपनी 11 टीम बनाइए, आईपीएल 11 टीम चॉइस करिए और लाखों करोड़ों का इनाम जीतिए। विज्ञापन के लास्ट में बताया जाता है इसमें जोखिम है, संभल कर खेलना। अरे ये क्या है भाई, जिस ढंग से आप विज्ञापन देते हैं कि आइए और सट्टा खेलिए, आइए और अपना पैसा लगाइए, उसी ढंग से इत्मीनान से लोगों को समझाइए कि इसमें जोखिम है, इसमें आप अपना पूरा पैसा गंवा सकते हैं और लास्ट में आपको आत्महत्या सुसाइड करना पड़ सकता है। आप देखिए, आप गूगल पर सिर्फ इतना सर्च करिए कि आईपीएल सट्टा खेलने वालों में कितने लोगों ने सुसाइड किया, आत्महत्या की, तो आपको इतनी बड़ी सूची, इतनी बड़ी लिस्ट मिल जाएगी कि देश के अंदर इतने लोगों ने आईपीएल मैच में सट्टा लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसके बावजूद इतने ज्यादा सट्टे के विज्ञापन आ रहे हैं कि आप अपना घर लुटाइए, आप अपना पैसा लगाइए और आईपीएल में सट्टा जरूर खेलिए। अब आखिर इस आईपीएल सट्टे का या इन सैकड़ों लोगों की आत्महत्या का जिम्मेदार कौन होगा, इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा? सरकार या तो सट्टे को बंद कराए या तो इन आत्महत्याओं का दोषी आईपीएल मैच वालों को मान के चले। आखिर इन सैकड़ों लोगों की आत्महत्याओं का दोषी कौन है? क्यों हम लोगों को ढकेल रहे हैं जबरदस्ती कि आप लालच में फंसिए, आप आईपीएल सट्टा खेलिए, इसके बाद आत्महत्या करिए? छोटे छोटे बच्चे, 12-15 साल के बच्चे हजारों लाखों रुपए सट्टे में गंवा रहे हैं। हम समाज को देने क्या जा रहे हैं? हम समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं? यह भी कोई सोचेगा? सरकार का कोई अंकुश इन पर है, इन पूंजीपतियों पर, इन सटोरियों पर? सरकार कोई नियंत्रण रख सकती है या सबको सटोरी बनाकर ही छोड़ेंगे, सबका घर बर्बाद करके ही छोड़ेंगे?